नमस्कार, मैं रत्नेश। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत बड़े नुकसान से या बहुत बड़े किसी घटना से आसानी से खुद बच सकते हैं। आप खुद भी अपने हॉरोस्कोप को एक बार देख लीजिए कि क्या आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा बिजनेस या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो फंस तो नहीं सकता है। उसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने एसेंडेंट एसेंडेंट मीन्स आप अपने लग्न और 8th हाउस अष्टम हाउस का कनेक्शन देख लीजिए। अगर वो कनेक्शन किसी भी तरीके से हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट और 8th का कनेक्शन तो हो गया है। तो आप ऐसी चीज़ों से हमेशा ही बचें कि जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या कोई आप कहीं पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपका फंस सकता है या कोई आपके पैसे को लेकर भाग सकता है या आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। तो जिसका भी फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन किसी तरीके से हो तो वो चीज़ें वो कभी ना करें, मतलब इन सब चीज़ों को कभी ना करें। दूसरी बात कि अगर आप में ये कनेक्शन बैठे हुए हैं और साथ में आपकी दशाएं अपोजिट चल रही हैं तब तो दूर से ही नमस्कार कर लीजिए। और जिनके और फर्स्ट और 8th का कनेक्शन नहीं है फिर भी उनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो फिर वो भी इन सब चीज़ों से बचें। लेकिन जिसका फर्स्ट और 8th का कनेक्शन हो गया है उसमें दशाएं अच्छी चलें या बुरी चलें आप हमेशा ही इन चीज़ों से बचें, नहीं तो फिर आपको लंबा नुकसान होगा। और फर्स्ट का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा या बहुत बड़ा आपका नुकसान जरूर होगा, कोई ना कोई आप पर एलिगेशन भी लग सकता है। इसलिए सावधान होकर ही चलें। जिसका फर्स्ट और 8th में कनेक्शन है चाहे उस पर दशाएं अच्छी चल रही हो या बुरी चल रही हो, पिछले कुछ समय में या पिछले कुछ हफ्तों में आप बोलिए मेरे पास ऐसे लगातार हॉरोस्कोप आ रहे हैं जिसमें इस प्रकार की घटनाएं मैं देख रहा हूं, तो मुझे लोगों ने बताया नहीं, मुझे मैंने मुझे हमको पता था लेकिन हमने इसमें विश्वास नहीं था मेरा एस्ट्रोलॉजी पर, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। कुछ ने कहा कि मैंने दिखवाया था किसी एस्ट्रोलॉजर से बट उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं बताई। कुछ ने कहा कि मेरा समय अच्छा चल रहा था इसलिए मैंने इसे काम कर दिया। तो आपका फर्स्ट और 8th में जब भी कनेक्शन हो तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और जिसमें फर्स्ट और 8th का कनेक्शन नहीं है, दशाएं खराब चल रही हैं, फिर भी उन सब चीज़ों से यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसे कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट उनसे ज़रूर आप बचें। लेकिन जिसका फर्स्ट और 8th का कनेक्शन है वो तो हमेशा ही बच कर चले। आपके एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करने या ना करने से घटनाएं नहीं बदलती। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ना करूं और मेरे साथ घटना ना हो तो मैं भी विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब फंस जाते हैं तब आप एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं और फिर आप ऐसा सपोर्ट लेते हैं कि आप बता देते हैं कोई उपाय बता दीजिए। अगर ऐसा होता कोई उपाय होता तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर ही अपना उपाय कर लेते। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कोई भी काम करें और बाद में कह दें नहीं आप इसका उपाय बता दें। उपाय नहीं होता है, आप पहले से ही सावधान रहें। स्पेशली वो लोग जिनका फर्स्ट और 8th का कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके हॉरोस्कोप में है, हमेशा ही वो सावधान रहें और इन सब चीज़ों से बचें। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फिर बहुत बड़ी घटना या बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे समय में या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और आप उस जीवन भर उस नुकसान की भरपाई करते रहते हैं। और कुछ हॉरोस्कोप्स तो मैंने ऐसे देखे कि वो नुकसान की भरपाई ना कर पाए तो उनके आगे जो आने वाली जनरेशन थी उनके बच्चे जो थे वो कर रहे हैं उसके नुकसान की भरपाई। तो आप ऐसे गलत कदम या ऐसे लंबे इन्वेस्टमेंट से बचें अगर किसी भी तरीके से आपका फर्स्ट और 8th का कनेक्शन हुआ पड़ा है तो। और जिनका नहीं हुआ पड़ा है तो दशाएं जरूर देख लें, दशाएं और गोचर, तो उसमें कहीं गलत चीज़ें आ रही हैं तो उस वक्त बच जाएं, आगे कर लें। और फर्स्ट और 8th का कनेक्शन है तो कभी मत करें, आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। धन्यवाद।